स्टेप्स इन क्रिएटिंग ड्रीम बोर्ड, क्या क्या स्टेप्स हैं ड्रीम बोर्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। कोई और इतना अच्छा नहीं जान पाएगा जितना हम अपने आप को जानते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी की एरियाज करके होता है, यू कैन राइट नाउ। आइडेंटिटी की एरियाज आर फाइनेंशियल गोल, राइट? फाइनेंशियल में क्या क्या आ जाता है? प्रोफेशनल, करियर, वो सब आ जाता है। अगर बच्चा छोटा है तो पढ़ाई का स्टडी गोल, आज मुझे केमिस्ट्री खत्म करना है, उस एज लिमिट के हिसाब से आप गोल सेटिंग करके दे सकते हो उसको। छोटा बच्चा है तो उसको अच्छा कराटे क्लास में डालना है, पेंटिंग क्लास में डालना है, इस साल मुझे ये करना है उसके लिए, ठीक है? और गोल सेटिंग इंक्लूड्स, फाइनेंशियल में ऑलवेज इंक्लूड सेविंग, सेविंग जरूर इंक्लूड करना। सेकेंड, रिलेशनशिप एंड फैमिली गोल, उसी में आ जाएगा, फाइनेंशियल में ही आ जाएगा ये एक क्वेश्चन कि मुझे अपने फैमिली के लिए भी इस बार कितना स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एनिवर्सरी है तो मुझे अपने पति को गिफ्ट करना है कि मैं गोवा चली जाऊं। आई कैन स्पॉन्सर दैट विद माई मनी, राइट? सो दैट बिकम्स फैमिली गोल। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल गोल, अभी सिर्फ फाइनेंशियल गोल की बात करें। और क्या क्या हो सकता है? उसी में फाइनेंशियल गोल में ही आप उसको डिवीजन कर लीजिए, जैसे किसी का वो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस डालना, सेविंग्स में वो भी आ जाता है। आजकल तो शेयर्स एंड इक्विटी है, तो शेयर्स में कितना मैं डालूंगा, और कमाने का जरिया है तो मैं क्या क्या अप्रोच करूंगा इस बार, कितना अपनी कमाई। फॉर एग्जाम्पल, हीलर है, ठीक है, हीलर कैसे बनूंगी मैं, और भी कोर्स करके मैं हीलर बन सकती हूँ ताकि मेरी प्रोफेशनल हीलर बनूं और मैं कमाऊं, राइट? तो उसका गोल बनाइए कि मैं प्रोफेशनल हीलिंग के लिए, मेरे लिए क्या क्या कोर्स मुझे करना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली कोई कोर्स आ जाए तो दैट्स फाइन, बट देन सेट कर लोगे ना तो वही कोर्स फर्स्ट खत्म कर लोगे फर्स्ट क्वार्टरली में, उसके बाद आप करते रहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट फाइनेंशियल गोल्स हो गया वो। सेकेंड गोल इज पर्सनल गोल। पर्सनल गोल कैन बी अनलिमिटेड, मुझे 20 केजी कम करना है इस साल, दैट इज योर पर्सनल गोल। मुझे अपना लाइफस्टाइल में पोटैटोस नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम करूंगी, दैट इज माय पर्सनल गोल। मैं बादाम इतना खाऊंगी, मैं नट्स ऐड करूंगी अपने खाने में, मैं अपना फ्रेंड सर्कल बनाऊंगी, बढ़ाऊंगी, मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगी क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है। अब मेरे स्किल्स, जैसे मैं पेंट भी करती हूँ तो मैं पेंटिंग और करूंगी उसको, मतलब एनीथिंग, व्हाट एवर योर हॉबीज आर, या हॉबीज आपको और बढ़ाने हैं वो लिखो, दैट इज अप टू यू। आई विल इम्प्रूव एंड वर्क ऑन माई स्किल। देर माइट बी, लिखिए आप, मैं फिर जाती हूँ। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल गोल। अब मेरे में स्पिरिचुअल गोल आता है, आई डोंट नो आप सब में आता है तो यू कैन ऐड। स्पिरिचुअल गोल में जैसे हम लोगों के लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स अचीव करने हैं, क्या टारगेट्स है, मैं दिन में इतना मेडिटेशन करूंगी, मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, इट्स फॉर योर सोल ग्रोथ, है ना? या आप स्पिरिचुअल में ये भी लिख सकते हो, कोई मेडिटेशन नहीं करता है तो मैं पुअर फीडिंग एवरी थर्सडे करूंगी, जो भी टारगेट है,
एक गुड डीड्स अपने अंदर वो करना है, मैं कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करूंगी हर महीने, और क्या हो सकता है, मैं हॉस्पिटल में जाके चैरिटी दूंगी, एनीथिंग विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअलिटी. Right, any questions till now? Okay. Now, how to practice it? इसमें अभी मैंने क्या क्या लिखा है? Collect a list of goals you want to achieve. Financial, professional, family relationship, health. Health भी आएगा. Fitness. Personal, fun, spiritual, learning. Learning is unlimited, right? Step 2, collect a bundle of pictures which represent your goal, and your goal should inspire you. That is the major gunpowder. है ना, वो एक चाहिए कि गोल बनाया है तो वो आपको वो भी बताऊंगी, बिकॉज उसमें भी यू नीड सम मिरेकल वर्ड्स टू इट, ताकि वो खुशी मिले आपको. उसके लिए ही यू कैन ऐड मोटिवेशनल अफर्मेशन जस्ट टू गिव अ पॉजिटिविटी टू योर ड्रीम बोर्ड.